सबसे पहले हम देखते हैं कि टैली में कंपनी आज कैसे क्रिएट करते हैं। उसके लिए टैली ईआरपी 9 को आपको खोलना होगा। टैली का खोलने के बाद कंपनी क्रिएट करने के लिए टैली में उसका शॉर्टकट की अल्ट प्लस F3 का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पहले देखेंगे, है ना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिव लाइसेंस, रिजेक्टिव लाइसेंस, बाई। तो एक्चुअली मैं बता देना चाहता हूँ कि यह वर्क इन द एजुकेशनल मोड, एजुकेशनल मोड पर हम काम करेंगे, क्योंकि एजुकेशन लाइसेंसियर सॉफ्टवेयर मेरे पास नहीं है। सिल्वर एडिशनल मोड में आ जाएंगे, सिंगल यूजर पर हम काम करेंगे, सिंगल यूजर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ देखते हैं कि क्रिएट कंपनी का ऑप्शन है, क्रिएट कंपनी पर क्लिक करते हैं, है ना। क्रिएट कंपनी पर क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुलता है, इस फॉर्म को फिलअप करना होगा, है ना। जैसे कि जहाँ पर जो जो मांग रहा हो, जैसे नेम, यहाँ पर कंपनी नेम डालना होगा। जैसे मान लिया जाए BICT कंप्यूटर सेंटर, इस तरह से लिख देंगे और आगे चलते जाएंगे। एड्रेस डालना हो तो एड्रेस भी डाल सकते हैं, स्टेट बिहार ये सब भरना है तो भरिए। यहाँ पर पिन कोड है, टेलीफोन नंबर डालना है तो टेलीफोन नंबर डालिए, उसके बाद फिर मोबाइल नंबर डालिए, ईमेल आईडी डालिए, यहाँ देख लेंगे। अभी हम सिंगल यूजर में काम कर रहे हैं तो एक बात और जान लीजिए, इन्वेंट्री एक अलग चीज है और अकाउंट वन, यहाँ पर दोनों चीज है आपका। यानी स्टॉक से संबंधित किसी भी तरह का लेजर क्रिएट करने के लिए आपको अकाउंट विथ इन्वेंट्री पर काम करना होगा। अकाउंट वनली यानी आपको लेखा करने के लिए अकाउंट वनली पर काम करेंगे। अब कंपनी आपका क्रिएट हो गया है। कंपनी क्रिएट होने के बाद आप सबसे पहले, कंपनी क्रिएट करने का प्रोसेस यहीं तक था, उसके बाद आप चाहते हैं कि और आगे सीखें तो मेरा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।